में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर राजस्थान कांग्रेस चुनाव पीआरओ के रूप में संजय निरुपम जयपुर पहुंचे और उन्हें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एपीआरओ और संगठन के पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की। उन्होंने उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया को समय पर कराने की मोहर लगी थी, इसे लेकर पूरे देश में कांग्रेस संगठन चुनाव जारी है। जयपुर पहुंचे राजस्थान कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव के पीआरओ संजय निरुपम ने बताया कि कांग्रेस में संगठन की मजबूती के लिए बूथ प्रमुख ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस प्रक्रिया के आधार पर जिला अध्यक्ष को चुना जाएगा, इसके बाद एआईसीसी सदस्य का चुनाव होगा, उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सभी लोग मिलकर कांग्रेस के भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इन संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पहले 10 जून तक पूरी होनी थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के चलते इसे 5 दिन और आगे बढ़ा दी गई है। ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो सारी प्रक्रिया धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप पूरी होगी और उसके उसी प्रक्रिया के तहत फिर आगे हम जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जिला अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद फिर एआईसीसी के मेंबर का चुनाव करेंगे प्रदेश से, उसके बाद एक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर सभी लोग मिलकर के हमारे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका चुनाव किया जाए। अब जरा राज्यसभा चुनाव की भागदौड़ है, इसलिए हम इसको 4-5 दिन और आगे लेके जाएंगे। 15-16 तारीख तक हम ब्लॉक अध्यक्ष और पीसीसी डेलीगेट्स का इलेक्शन कर देंगे। पीसीसी में बैठक में संगठन के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव लिए गए। संजय निरुपम ने बताया कि जो व्यक्ति 5 साल तक एक पद पर है उसको दोबारा उस पद पर रिपीट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर भी मोहर लगी थी, ऐसे में जिनके पास एक पद से ज्यादा है उसे एक ही पद मिलेगा, जिससे संगठन में और नेताओं को मौका मिल सके। जो व्यक्ति 5 साल तक लगातार एक पद पर है उसको दोबारा उस पद पर रिपीट नहीं किया जाएगा, और अगर वो 5 साल तक है तो उसको फिर कोई और प्रमोशन देने के बजाय उसको 2-3 साल की कूलिंग पीरियड दी जाएगी ताकि और लोगों को मौका मिले। एक एक आदमी के पास 2-2, 3-3 जो पद रहते हैं ना, उसके तहत कांग्रेस अध्यक्षा ने इस प्रकार का एक फैसला किया है चिंतन शिविर में कि हर व्यक्ति के पास 1 पर्सन 1 पोस्ट, यानी एक व्यक्ति के पास एक ही पद होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस का फोकस इन चुनावों के जरिए संगठन की मजबूती पर है, जिससे आने वाले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव के मैदान में पूरे दमखम के साथ उतारा जाए और सत्ता से 10 साल की दूरी को खत्म किया जाए। दामोदर, जी मीडिया, जयपुर।